तस्वीरें इस समय आप जम्मू के एमएम स्टेडियम की देख रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी को एक बार फिर टाइट कर दिया गया है। 15 अगस्त का मौका आने वाला है और आपको बता दें कि देश का 75वां जो है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और जिसके चलते यहां पर सिक्योरिटी के जो पुख्ता इंतजाम है वो आप सब साफ तौर पर जो है तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके से जो एक बार फिर जो है सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो उन्हें अलर्ट पर कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, अगर चाहे तो आजादी के मौके पर जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से सिक्योरिटी जो है काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। और आप देखिए स्कूली बच्चे जो हैं वो यहाँ से जो है रिहर्सल करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे जो हैं अंदर रिहर्सल के लिए गए थे और ये वो स्कूली बच्चे हैं जो ये अंदर से रिहर्सल कर बाहर निकले हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। आप अंदर रिहर्सल करने गई थी, किस तरीके से अंदर रिहर्सल हुआ आपका? क्या नाम है आपका? सिमरन मंगोत्रा। सिमरन मुझे बताएंगे अंदर रिहर्सल किस तरीके? मैम रिहर्सल तो ठीक है, ये तो मतलब कोई नहीं होता, फर्स्ट प्राइज आया सेकंड प्राइज आया उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हम एक ही देश से हैं, कोई हिंदुस्तान तो पाकिस्तान है नहीं कि हम झगड़ा करेंगे, एक ही देश से है। ये हारता वो है जो मैदान छोड़ के जाता है, जो मतलब लड़ रहा है या डांस कर रहा है या कार्ड कर रहा है, कोई भी कर रहा है। अंदर क्या परफॉर्मेंस है आपकी 15 अगस्त के दिन अगर बात की जाए तो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? परफॉर्मेंस तो मतलब बेस्ट ही है, कल्चरल आइटम है हमारी। तो अगर हम बात करें देश की आज़ादी की, हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, ये तो हर एक छोटा छोटा बच्चा जानता है, लेकिन हम अपने देश को पूरी तरह स्वतंत्र तब मानेंगे जब हमारे देश का एक एक नागरिक स्वतंत्र होगा, जब इस देश की बहू बहनें बेटी आदि रात को भी इस घर से बाहर जाने में नहीं इतराएगी, तब हम इस देश को स्वतंत्र मानेंगे। बुलबुल के परों के नीचे कभी वाज नहीं रहता, बुलबुल के परों के नीचे कभी वाज नहीं रहता, जो लोग डरपोक और कमजोर होते हैं उनके पास कभी राज नहीं रहता। बहुत खूब, और इन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज भी दिया कि अगर जो बेटियां हैं उन्हें आज देश तभी हम मानेंगे आजादी जब पूर्ण रूप से जो है इन्हें आजाद होने का मौका मिलेगा, ये आजाद होकर जो है अपने घरों से बाहर निकल पाएंगी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये लोग जो है यहाँ से अंदर से रिहर्सल करके बाहर निकली है। क्या नाम है आपका? शवी। शवी, अंदर रिहर्सल किस चीज की रिहर्सल थी आपकी? क्या आप परफॉर्म कर रही हैं आप 15 अगस्त के दिन? डांस कर रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा जोश है यहाँ पर, जो हमारी बच्चियाँ हैं काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? बच्चियों में जोश बहुत है और बड़ा मजा आ रहा है, डांस वगैरह कर रहे हैं हम, बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा जोश है। क्या नाम है आपका? पायल शर्मा। पायल, क्या परफॉर्मेंस है आपकी 15 तारीख को? मेरी रिपोर्टर बनने में मैंने। तो क्या कैसी मतलब की कैसा जोश है, किस तरीके का जोश? जोश है की हम फर्स्ट पोजीशन लाए, की मतलब की हाँ पूरा जोश में, मतलब की हमारा स्कूल सबसे बेस्ट आना चाहिए, ऐसी पूरे जोश में, पूरे जोश में। और भाई आप साफ तौर पर जो है यहाँ पर ये हमारी जो बेटियाँ हैं इनका जोश दे सकते हैं, कितना ज्यादा जोश इनमें भरा हुआ है और ये बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है, और इनकी तैयारी जो है ये साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके की तैयारी जो है यहाँ पर है। ये वो सभी बच्चे जो है जो अंदर से रिहर्सल कर इस समय बाहर निकल रहे हैं। एमएम स्टेडियम की तो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का जोश जो है इन बच्चियों के अंदर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है यहाँ पर डटी हुई है, पूर्ण रूप से जो है पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सामने तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हर कोई जो है यहाँ पर इनका जोश जो है ये सच में काबिले तारीफ है। ये बता रहा है कि आज़ादी का जो जज्बा है, आज़ादी का जो जज्बा है वो हमारे दिल में कूट कूट कर भरा है, और हम अपने देश के आज़ादी के दिवस को जो है बड़े जोश के साथ मनाएंगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और तस्वीरें इस समय आप जम्मू के एमएम स्टेडियम के बाहर की देख रहे हैं, जहां से जो है ये काफी सारे बच्चे जो है इस समय बाहर निकल रहे हैं, जो कि अपने रिहर्सल्स कंप्लीट करके बाहर निकल रहे हैं। और सामने अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर तैनात है, सिक्योरिटी का जो पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है, हर आने जाने वाले पर जो है पैनी नजर रखी जा रही है इस समय, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जम्मू के अंदर जो लगातार पिछले कई दिनों से ड्रोन्स देखने को मिले, और उसके बाद अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कश्मीर में भी कई जो है आतंकियों को ढेर किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेज जो है
वो लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और एमएमए स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं कि देश के आजादी के दिवस पर जो है, यानी कि दिवस से पहले जो है, किस तरीके से यहाँ पर जोश है, उल्लास है और खुशी है, और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो इतनी भी हमारी अगर बात करें बेटियाँ हैं वो कितने जोश से भरी हुई हैं। सामने आप देखिए कि अब ये रिहर्सल्स कर जो बच्चियां हैं अपने अपने घरों की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर इनका जोश जो है सच में काबिले तारीफ है, इनकी तरफ से साफ है कि भाई देश की आज़ादी का दिवस है, इसमें किसी तरीके की कोई कमी जो है वो नहीं रहेगी, कोई हर्षोल्लास में जो है कमी नहीं नजर आएगी। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर, अगर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एमएम स्टेडियम के बाहर की, यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनका अमला जो है यहाँ पर तैनात है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और हर कोशिश की जा रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर आने जाने वाले की पूर्ण रूप से यहाँ पर चेकिंग कर सके। तो तस्वीरें आपने देखी जम्मू के एमएम स्टेडियम के बाहर की, जहाँ पर किस तरीके से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुन स्कूली बच्चों का जोश भी देखने के काबिल था, क्योंकि किस तरीके से उनका जोश जो है ये साफ कर रहा है कि देश के आज़ादी के दिवस को जो है वो लोग मनाएंगे बड़ी बखूबी तौर पर और बड़ी खुशहाली से मनाएंगे, और उसके जज्बे में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो है पैनी नज़र बनाए हुए हैं, हर खतरे पर जो है इस समय चील की नज़र बनी हुई है कि हर खतरे पर जो है कहीं ना कहीं अगर कोई खतरा नज़र आता है तो उससे जो है मुँह तोड़ जवाब दे दिया जाए। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से जो है देश के आज़ादी के दिवस को मनाने के लिए जो है हर्षोल्लास जो है वो देखने को मिल रहा है, खुशी की लहर देखने को मिल रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का जज्बा जो है इस समय अगर आप बात की जाए तो वो सच में काबिले तारीफ है। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।